हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आइस नेटवर्क की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी गई है अपने यूज़र्स के लिए। काफ़ी टाइम बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आइस नेटवर्क जो है वो एक्टिव नज़र आया हुआ है। क्या कुछ अपडेट आ रही है और किस प्रकार से आने वाले टाइम में यहाँ पर जो लॉन्चिंग है टोकन्स की वो देखने को मिल सकती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर आएंगे, आपको यहाँ पर न्यूज़ फीड का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी इन्होंने जो ब्लॉग है उसे पोस्ट किया हुआ है। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी ये न्यूज़ जो है वो यहाँ पर इन्होंने ट्वीट कर दिया। KYC एंड BNB स्मार्ट चेन डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ पर इसी अपडेट की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर पहले कहा गया था कि आइस टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले हैं वो यहाँ पर इथेरियम की ब्लॉकचेन पर होंगे, तो उसे अब कन्वर्ट करके यहाँ पर BNB मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन पर फिक्स कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो एड्रेसेज है कहीं ना कहीं वो चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है, जो इथेरियम का एड्रेस आपने डाला था क्या वो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर टोकन लॉन्च होने वाले थे उन्हें कन्वर्ट करके BNB मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन पर वो डिस्ट्रीब्यूट अप करेंगे अपने आइस कॉइंस को। ऐसा करने का क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा यहां पर ये है कि जो गैस फीस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम ब्लॉकचेन पर जो गैस फीस लगती है वो यहां पर BSC के मुकाबले ज्यादा लगती है, बाइनेंस स्मार्ट चेन के मुकाबले ज्यादा लगती है, तो गैस फीस यहां पर रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से ये जो डिसीजन यहां पर लिया गया है कहीं ना कहीं वो यहां पर फायदेमंद नजर आ रहा है टीम के लिए भी और टीम द्वारा जो यूजर्स है उनके लिए भी। उसके साथ ही जो पर समय लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, वो भी यहां पर कम होगा। मतलब टाइम कंज्यूमिंग जो था वो भी यहां पर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पर इथेरियम से इसे कन्वर्ट करके BNB में चेंज कर दिया गया है। जो अब आइस टोकन यहां पर लॉन्च होंगे, अभी तक आइस टोकन लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी लॉन्च होंगे, जनवरी के मंथ में कहा जा रहा था कि आइस टोकन आ जाएंगे, तो अब वो यहां पर BNB की स्मार्ट चेन पर आएंगे। आपको क्या करना है इसके लिए इन्होंने अपडेट दी। जो भी यहां पर OKX वॉलेट का, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट का यूज करता है वो अपने एग्जिस्टिंग एड्रेस को वैसा का वैसा रहने दे, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर अपने एड्रेसेस देखेंगे, जैसे ही आप यहां पर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, आपको यहां पर एड्रेसेस जो है उसका ऑप्शन देखने को मिलेगा, इथेरियम एड्रेसेस का। उसको आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं यहां पर दूसरा एड्रेस डालना, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ये अपडेट हो गया। एप्लीकेशन अपडेट का ऑप्शन आपके पास आया होगा, उसे आपको अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट होगा, आपको यहां पर पहले इथेरियम का एड्रेस देखने को मिल रहा था, लेकिन अब लिखा हुआ है BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस। मतलब जो एड्रेस है वो चेंज नहीं करना है, एड्रेस अपने आप यहां पर बदल गया है। वही एड्रेस जो है वही काम में आने वाला है BNB स्मार्ट चेन में भी। लेकिन एक बार फिर से आप इसे चेकआउट भी कर सकते हैं जाकर अपनी एप्लीकेशन पर। अगर आप OKX का यूज करना चाहते हैं तो OKX वॉलेट का एड्रेस यहां पर डाल सकते हैं। अगर ट्रस्ट वॉलेट का यूज करते हैं, मेटामास्क का, यहां पर आप ये जो एड्रेस देख रहे हैं ये OKX का है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अदर वॉलेट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस बदलने की जरूरत नहीं है, वही एड्रेस काम में आने वाला है। अगर आप यहां पर इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप यहां पर माइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट दी गई है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ब्लॉकचेन में बदलाव देखने को मिला है, तो हो सकता है बहुत जल्दी यहां पर टोकन जो है वो लॉन्च किए जाए। लेकिन एक और सवाल है कई सारे यूजर्स के लिए, मेरा भी यहां पर जो मुझे भी नजर आ रहा है कि यहां पर आइस टोकन रिड्यूस होते हुए भी नजर आ रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि आइस टोकन बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं लास्ट कुछ दिनों में आइस टोकन जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप अभी भी लाइव देख सकते हैं, यहां पर अभी जो आइस टोकन थे वो लगभग 6 के आसपास यहां पर डिजिट देखने को मिल रहा था, अब यहां पर 4 हो चुका है। तो ऐसा ग्लिच क्यों देखने को मिल रहा है? इसका जवाब यहां पर टीम को देना चाहिए। अगर टीम तक ये बात पहुंचती है, अगर आप यहां पर आइस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आइस यूजर है, तो आप उन्हें ट्वीट करके यहां पर मेंशन कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं ट्विटर हैंडल पर भी। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आपके टोकन भी यहां पर कम हो रहे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, और कोई भी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।